Hello friends welcome back to my channel basic linguistics today we are discussing about mentalism <coughs> so first of all we we have to discuss about concepts mentalist position is that the, the language structure processes and ideas that dwell in mind at birth serve for the acquisition of language for them is not the environment or the conditioning that results in language acquisition as a normal material um, मैचुरेशनल प्रोसेस बर्ड द इनबोर्न कैपेसिटी दैट दे पॉजेस तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिमाग में ये रखना है कि ये जो मैंटेलिज्म uh, है ये बिहेवियरिज्म से जस्ट अपोजिट है बिकॉज जहाँ पे बिहेवियरिज्म में हमने बात किया कि वो बिहेवियर जो भी हमारा बिहेवियर होता है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बेस पर होता है जो इन्वायरमेंट में चल रहा है उसकी चीज़ों से हम सीखते हैं बट मेंटेलिज्मटेलिज़म में ये कहा गया है कि जो एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर होता है ठीक है जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है या फिर आप उसको कह सकते हैं जो भी प्रोसेसेस होती हैं लैंग्वेज की या आइडियाज़ जो है वो हमारे माइंड में बर्थ से ही रहती हैं बर्थ से ही एक एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज के तरह हमारे माइंड में रहती हैं फॉर देम इज़ नॉट द इन्वायरमेंट और कंडीशनिंग कोई भी कंडीशन के थ्रू या इन्वायरमेंट के थ्रू हम नहीं सीख मतलब सीखते तो हैं आगे जाके लर्निंग लेकिन एक्विजिशन जो होता है जो एक्वायर्ड करने की जो हमें सीखने की जो क्षमता थोड़ी बहुत जो एक्वायर करने की क्षमता होती है वो पहले से ही रहती है और इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ मतलब एक कैपेसिटी हमारे माइंड में इन पहले से इनबिल्ड रहती है या जो हम इनबोर्न कैपेसिटी जिसको कह सकते हैं जन्म से ही हमारे दिमाग में वो चीज़ें एक्वायर करने की क्षमता रहती है वो मैंटेलिज्म में बताया गया है द अमेरिकन लिंग्विस्ट नोम चोम्स की इसमें नोम चोम्स के क्या याद रखना जरूरी है नोम चोम्स की द थ्योरी ऑफ मेंटेलिज्म मैंटेलिज्म की थ्योरी अमेरिकन गल लिंग्विस्ट टोम चोम्स की नदिया चोम्स की पॉस्टुलेट्स दैट दैट ह्यूमन हैव एन इनेट एबिलिटी फॉर लैंग्वेज एंड दैट दिस मेक्स द पॉजिबिलिटीज विद इन लैंग्वेज इन्फिनिट चाम्स की ऑल्सो बिलीव दिस बिलीव दिस बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट ऑफ लैंग्वेज कनेक्ट ऑल लैंग्वेज सो इसमें उन्होंने बताया है कि uh, जो भी ह्यूमन हु, हु, है ठीक है ह्यूमन के पास उनके उनके साथ ही एक इेट एबिलिटी होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने की किसी भी एट्रेंसेस को बोलने की और जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है लैंग्वेज में वो सारी चीज़ों को हम एक एक्वायर करने की क्षमता पहले से ही होती है एंड द मेंटलिस्ट लर्निंग थ्योरी इम्फेसाइज द रोल ऑफ द माइंड इन लैंग्वेज एक्विजिशन बाई आर्ग्यूइंग द आर्ग्यूइंग दैट ह्यूमन आर बोर्न विद एन इेट एंड बायोलॉजिकल कैपेसिटी टू लर्न लैंग्वेजेस इसमें सीधे सीधे यही कहा गया है कि uh, हम कह सकते हैं ये चीज़ें कि जो माइंड का रोल है लैंग्वेज को एक्वायर करने का इसमें बहुत बड़ा हाथ है ठीक है मेंटल जो हमारा मेंटल uh, जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ा हाथ होता है माइंड का uh, किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए जो कि बच्चों में शिशुओं में बायोलॉजिकल कैपेसिटी के रूप में उनमें होती है ताकि वो लैंग्वेज को सीख सकें क्योंकि हम ये भी देख सकते हैं ना कि हम जब सोचते हैं कि को, कोई कोई भी बच्चा है कोई भी शिशु है वो जब जन्म लेता है तो कहना चाहिए हमें लगता है वो कुछ नहीं जानता बट अगेन वो ठीक है इन्वायरमेंट से भी सीखता है बट कुछ तो उसमें कैपेबिलिटी होती होगी तभी वो क्या करता है चीज़ों को जल्दी अब्ज़ॉर्व करता है जल्दी जो भी परसीव करता है और सीख जाता है तो कहीं ना कहीं माइंड का इसमें बहुत बड़ा रोल है और माइंड में पहले से ही एक्वायर करने की क्षमता होती है इसी के बाद इसी के बारे में इन्होंने बताया है दिस थ्योरी वॉज़ स्पीयर हैडेड बाई नोम चोम्सकी एंड इन रिस्पॉन्स टू बी एफ स्किनर्स रेडी रेडिकल बिहेवियरिज्म जो बी एस बी एफ स्किनर ने जो बिहेवियरिज्म थ्योरी दिया है उसी के उसी को देखते हुए फिर नोम चोम्सकी ने इस बारे में बताया है कि हर चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंट से या बिहेवियर से स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी से रिवार्ड से या पनिशमेंट से नहीं सीखी जाती है इससे पहले ही हमारे जो जो इन इनबोन होते हैं बच्चे उनके माइंड में पहले से ही अक्वायर्ड जो कैपेसिटी होती है वो पहले से ही होती है जस्टिफाइड ऑब्जर्वेशन दैट अ चाइल्ड मास्टर्स हिज लैंग्वेज विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ द हाईली एब्सट्रैक्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड रूल्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट उन्होंने अपनी चीज अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए ये बोला है कि हमारा मानना ये है कि अगर uh, हम एक बात बोलें कि जैसे चाइल्ड है उसको अभी तक कुछ नहीं पता है बट वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत छोटे समय में ही जो भी लैंग्वेज़ की जो भी जितनी भी जो भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है या उसका जो भी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं वो सारी चीज़ें कैसे सीख जाता है कुछ ना कुछ तो कैपेबिलिटी होती होगी ऐसा तो है नहीं कि जस्ट वो जन्म लिया देन उसके इन्वायरमेंट और जो भी बाहर की चीज़ें उसको गिवर से या मदर से पेरेंट्स से जो चीज़ें उसको इन्वायरमेंट से मिल रही वो चीज़ें वो सीख गया तो सीख तो गया वो अच्छी बात है लेकिन इतनी शॉर्ट टाइम पीरियड में वो कैसे सीख गया वो शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर वो सीख रहा है इट मीन्स कहीं ना कहीं चाइल्ड को एक एक तरह से अक्वायर्ड उसमें पहले से ही इनबिल्ड uh, है एक्वायर्ड जो नॉलेज एक्वायर uh, करने की क्षमता है जो कैपेसिटी है वो पहले से इनबिल्ड है फॉर हीम अ चाइल्ड इन इज बोर्न विद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उनके द्वारा हम अगर देखा जाए तो उनका कहना ये है कि चाइल्ड के साथ एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस रहती है पहले से ही आ, जो जिसे हम एल ए डी एल ए डी के नाम से जानते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ठीक है एक डिवाइस है एन इनेट नॉलेज और एन इम्बॉडीमेंट ऑफ़ द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज एंड दिस अकाउंट्स फॉर द मिरेकल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इसको आप एक मिरेकल ही समझिए या जैसा भी समझिए लेकिन ये चीज़ें वो उन्हें कहा है कि एक बच्चे में बोर्ड के टाइम पे ही एक कैपेबिलिटी uh, डेवलप होती है जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं तो so, मेंटलिज्म में कुछ इस तरह ही था जो समझने आ, समझना था बी एफ सॉरी बी एफ के अपोजिट है जो कि नॉम चर्म्स के द्वारा डिस्कस किया गया है इसको ध्यान रख सकते हैं आई होप आप लोग को वीडियोस पसंद आई होंगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू